हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों आज के इस वीडियो लेसन में हम लोग डिस्कस करेंगे सर्कुलर लेटर्स के बारे में। अपने लास्ट वीडियो में हम लोगों ने दोस्तों बिजनेस लेटर्स के बारे में डिस्कस किया था और उसके साथ ही साथ में उसका क्या फॉर्मेट होता है लिखने का, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोगों ने पूरे डिटेल के साथ में डिस्कस किया था। तो अगर आप चाहो तो उस वीडियो को देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा। और फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो लेसन में इफेक्टिव राइटिंग स्किल्स के सीरीज में दोस्तों आज हम सर्कुलर लेटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सर्कुलर लेटर क्या होते हैं एक्चुअल में, इसकी क्या मीनिंग होती है, क्या डिफिनेशन होती है, इसके साथ ही साथ में इसके कौन कौन से मेन सीलिएंट फीचर्स होते हैं और इसको लिखने का क्या फॉर्मेट होता है, इन सभी चीज़ों के ऊपर हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम को वेस्ट ना करते हुए अपने आज के इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि यहाँ पर लिखा आप देख रहे हो सर्कुलर लेटर, तो यहाँ पर जो टर्म है सर्कुलर, सर्कुलर का क्या मतलब होता है दोस्तों, अगर हम इसका सर्च करोगे तो आपको कुछ गोलाकार, वृत्ताकार इस तरीके से देखने को मिलेगा, चक्करदार कुछ इस तरीके से देखने को मिलेगा ना। तो सर्कुलर का क्या मतलब होता है, कुछ इस तरीके से, मतलब गोलाकार है ना। तो सर्कुलर का मतलब और लेटर का मतलब अगर एक भी और भी चीज़ निकलती है कि परिपत्र, परिपत्र का क्या मतलब होता है कि जब भी हम कभी भी किसी ऐसे लोगों तक अपनी बात को पहुंचाते हैं या फिर कभी भी कोई भी इंफॉर्मेशन को हमको शेयर करना है, सपोज की इंफॉर्मेशन है और इसको हमको लोगों तक सबको शेयर करना है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में या फिर किसी भी बिजनेस के फील्ड में अगर हम बात करें, तो अब किसी भी एक इन्फॉर्मेशन को हमको सभी लोगों तक शेयर करना है, उसको सभी लोगों तक पहुंचाना है, तो वहां पर हम लोग क्या चीज़ का यूज़ करते हैं, सर्कुलर लेटर का यूज़ करते हैं। और साथ ही साथ में यहाँ पर एक जो इसकी मेन सबसे बड़ी खास बात है सर्कुलर लेटर की, वो ये है कि सर्कुलर लेटर में जो पब्लिसिटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा वाइड होती है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा वाइड होती है, मतलब कि बहुत ही सारे लोगों तक की इन्फॉर्मेशन, सेम इन्फॉर्मेशन को पहुंचाया जाता है। इसमें पब्लिसिटी का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखा जाता है, मतलब कि इसमें क्या है कि जो लोगों की संख्या होती है इन अ लार्ज नंबर, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा लोगों तक की सेम इन्फॉर्मेशन को पहुंचाना इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, इसका मेन काम होता है, ठीक है। तो ये तो एक सीधे तौर पर, मोटे तौर पर अगर हम बात करें तो सर्कुलर लेटर वो होते हैं जो कि कभी भी हमको किसी भी तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी इंडस्ट्री लेवल पर या फिर किसी भी बिजनेस के फील्ड में हमको दोस्तों किसी भी सेम इन्फॉर्मेशन को बहुत सारे लोगों तक का पहुंचाने का काम करते हैं सर्कुलर लेटर, ठीक है। तो ये इसके मोटे तौर पर बात हुई। अब इसकी दोस्तों यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी हुई है अगर हम उसकी बात करें तो यहाँ पर देखिए क्या है कि व्हेन अ बिजनेसमैन हैज़ टू कम्युनिकेट कॉमन मैसेज इन लार्ज नंबर, जब भी कभी कोई बिजनेसमैन होता है वो अपनी कॉमन मैसेज को बहुत सारे लोगों तक की पहुंचाने के लिए कम्युनिकेट करता है, मतलब कि बहुत सारे लोगों तक, लार्ज नंबर तक पहुंचाने का काम करता है, तो उसको वो क्या चीज़ का यूज़ करता है, ही यूजेस सर्कुलर लेटर, तो वो सर्कुलर लेटर का ही यूज़ करता है, ठीक है। कभी भी किसी बिजनेसमैन को अपने किसी भी कॉमन मैसेज को बहुत सारे लोगों तक की कम्युनिकेट करना हो, कोई भी मैसेज को बहुत सारे लोगों तक की पहुंचाना हो, तो वो क्या चीज़ का यूज़ करेगा, सर्कुलर लेटर्स का यूज़ करेगा, ठीक है। सो इसका ये सीधा सा मतलब होता है। अभी देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि दीज लेटर्स सर्कुलेट द सेम मैसेज, इसमें मतलब कि जो मैसेज होता है वो सेम मैसेज होता है बहुत सारे लोगों तक, उसको इन्फॉर्म किया जाता है या फिर उस मैसेज को डिलीवर करके पहुंचाया जाता है। ऑन सम ओकेजन्स अ बिजनेस मैन हैज़ टू इन्फॉर्म सम इन्फॉर्मेशन टू अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल, कस्टमर्स एंड शेयर होल्डर्स एक्सेट्रा, मतलब कि जो बिजनेसमैन होता है उसको बहुत सारे लोगों तक की सेम इन्फॉर्मेशन पहुंचानी होती है, जैसे कि बहुत सारे लोगों तक की सेम इन्फॉर्मेशन वो पहुंचा सकता है, कस्टमर्स को किस तरीके से हैंडल करना है या कस्टमर्स को किस तरीके से अट्रैक्ट करना है, इस तरीके से जो कस्टमर्स को भी अटेंशन पाने के लिए उन तक भी सेम इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जाता है, या फिर जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं उन पर भी कोई भी मैसेज आया, कोई भी इन्फॉर्मेशन हुई, तो सभी लोगों तक शेयर करने के लिए जो बिजनेसमैन होता है वो सर्कुलर लेटर का ही यूज़ करता है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि फॉर दिस पर्पज़ सर्कुलर लेटर्स आर यूज्ड, और इस पर्पज़ के लिए दोस्तों, इन सभी पर्पज़ के लिए जो सर्कुलर लेटर्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। अगर हम कोई एक एग्जाम्पल, अगर इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल लें तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एक छोटा सा एग्जाम्पल लिखा हुआ है। इस एग्जाम्पल में क्या है कि जैसे कि सपोज कि हमको, जैसे कि कभी भी किसी भी तरीके के डिपार्टमेंट को, हर एक तरीके के डिपार्टमेंट को किसी भी तरीके की मीटिंग में इनवाइट करना है, तो हमको यहाँ पर क्या करना होगा, सर्कुलर लेटर का यूज़ करना होगा। तो इनवाइट
एन इंटायर डिपार्टमेंट फॉर अ मीटिंग, जैसे कि हमको पूरे डिपार्टमेंट को मीटिंग के लिए इकट्ठा करना हो या फिर मीटिंग के लिए बुलाना हो, तो हम वहाँ पर सर्कुलर लेटर का यूज़ करते हैं। और इसके साथ ही साथ में इसका एक बड़ा सा दूसरा एग्जांपल है, जैसे कि कभी भी हमको कोई भी यूनिफॉर्म की ड्रेस पॉलिसी को अपडेट करना हो, सपोज कि कोई भी कंपनी है उसमें जो ड्रेस पॉलिसी है, ठीक है, जो अभी तक की मान लो कोई भी ड्रेस नहीं चलती थी, अब सपोज कि एकदम से कुछ किसी भी कंपनी ने ऐसा पॉलिसी निकाल दी कि सभी लोगों को एक सर्टेन ड्रेस पहन करके आना है, तो फिर वो क्या करेगी, सर्कुलर लेटर का यूज़ करेगी। ठीक है, तो ड्रेस पॉलिसी फॉर द होल ऑफिसर, होल ऑफिस मतलब कि पूरे ऑफिस में किसी तरीके की जो ड्रेस पॉलिसी उसको लेकर के, या फिर किसी भी खास ओकेजन को लेकर के, या फिर किसी भी तरीके की किसी भी खास पर्पस को लेकर के सभी लोगों तक की सेम मैसेज को डिलीवर करने के लिए, किसी मीटिंग को मीटिंग में सभी लोगों को बुलाने के लिए सर्कुलर लेटर्स का यूज किया जाता है। ठीक है, तो आई होप कि इसका जो एग्जांपल है उसको तो आप समझ रहे होगे कि अगर कभी कोई मीटिंग हुई तो उस मीटिंग के लिए सबको इनवाइट करना है तो हम सर्कुलर लेटर का यूज कर सकते हैं। अगर सपोज कि हमको कोई भी ड्रेस से रिलेटेड कोई भी पॉलिसी हुई कि हमको सेम ड्रेस पहन करके आनी हो, एक तरीके की सर्टेन ड्रेस को पहन करके आना है, तो उस ड्रेस से रिलेटेड जो भी कोई पॉलिसी है तो उसको शेयर करने के लिए सभी लोगों तक हम सर्कुलर लेटर का यूज़ करेंगे। तो ये तो दो एग्जांपल थे। अब यहाँ पर अ सर्कुलर लेटर विल बी द बेस्ट मोड ऑफ कम्युनिकेशन फॉर दिस पर्पज़, तो इस सभी पर्पज़ के लिए दोस्तों हम लोग सर्कुलर लेटर्स का यूज़ करते हैं। अब इसके हम बात करें मेन फीचर्स के बारे में, तो मेन फीचर्स इसके कौन कौन से हैं। सर्कुलर लेटर इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट टाइप लेटर, जो सर्कुलर लेटर होता है वो एक तरीके से दोस्तों काफ़ी पुराने समय से चले आ रहे हैं ये लेटर्स, और बिजनेसमैन इसका अक्सर ऑफ्टन यूज़ करते हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए लार्ज नंबर के लोगों तक, मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। सो द मेन फीचर्स ऑफ सर्कुलर लेटर्स आर, एक तो इसमें जो कुछ एक यहाँ पर मेन फीचर्स लिखे हुए हैं उसमें सबसे जो पहले नंबर पर आता है वो है कि वाइड पब्लिसिटी। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो सर्कुलर लेटर्स होते हैं उसमें सबसे बड़ी जो खास बात होती है कि इसमें पब्लिसिटी को करना अनिवार्य होता है, मतलब कि पब्लिसिटी करना जो सभी लोगों तक इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँचे, इस चीज़ का खास ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा सर्कुलर लेटर्स में अट्रैक्टिवनेस होती है, कंसाइजनेस होती है, और जो सबसे एक और भी इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि फ्री फ्रॉम द कंट्रोवर्सी, मतलब कि ऐसा नहीं कि सर्कुलर लेटर को लेकर के किसी भी तरीके की कंट्रोवर्सी हो रही है, मतलब कि जब भी कोई भी नियम निकाला गया, सपोज कि अगर कोई भी ड्रेस को लेकर के रूल आया कि इस ड्रेस को पहनना है सभी जो भी कर्मचारी हैं किसी भी कंपनी में, उस ड्रेस को सभी लोगों तक को पहनना है तो पहनना है, मतलब कि इस चीज़ को लेकर के कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं होगी, तो दैट्स इट, मतलब कि ये जो फाइनल डिसीजन है वो एकदम ले लिया गया है। तो सर्कुलर लेटर को लेकर के किसी भी तरीके की कंट्रोवर्सी नहीं होती है, कि ऐसा नहीं कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए या फिर कुछ लोग बोल रहे हैं ऐसा होना चाहिए, तो ये जो सर्कुलर लेटर होते हैं वो एकदम कंट्रोवर्सी से फ्री होते हैं। अगर कोई भी ड्रेस को लेकर के पहनना है तो पहनना है, ठीक है, या फिर किसी भी तरीके की मीटिंग में आपको अटेंड करना है, इट मींस अटेंड करना है, कोई भी रीज़न नहीं बनता कि आप उस मीटिंग को ना अटेंड कर दो या फिर उस ड्रेस को ना पहन करके आओ, ठीक है। तो कंट्रोवर्सी का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी से रिलेटेड आप कोई भी इशू को शेयर कर दो, या फिर ऐसा नहीं कि रिलीजियस कंट्रोवर्सी होती है, या फिर सोशल या फिर एनी अदर तरीके की कोई भी कंट्रोवर्सी चल रही है, ऐसा कुछ नहीं है। जो उसमें इन्फॉर्मेशन शेयर करी गई दैट्स इट, मतलब कि वही आपको फॉलो करना है तो करना है। इट मींस कि जो इसका मेन सीनियर फीचर में दो चीज़ मेन कॉमन आती है, एक तो इसमें बहुत सारे लोगों तक अपनी बात को पहुंचाया जाता है, मतलब वाइड पब्लिसिटी कर दी जाती है, और फ्री फ्रॉम द कंट्रोवर्सी, तो ये दो मेन फीचर्स आपको इसको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें तो सर्कुलर लेटर्स के कुछ एक ऑब्जेक्टिव्स लिखे हुए हैं यहाँ पर कि टू ऑप्टेन पब्लिसिटी, फर्स्ट नंबर पे ही जो पब्लिसिटी का क्या है कि उसको ऑप्टेन करना है। उसके बाद में कभी कोई भी हमने न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च किया या फिर किसी भी तरीके के कस्टमर तक को कोई न्यू प्रोडक्ट को पहुंचाना है, उसके बारे में बताना है, तो उसका इंट्रोडक्शन किस तरीके से करना है, ये भी सर्कुलर लेटर्स में अच्छी तरीके से इंक्लूड हो जाता है। उसके बाद में ये जो सर्कुलर लेटर्स होता है काफ़ी हद तक दोस्तों प्राइस रिडक्शन में हेल्प करते हैं लोगों को, ठीक है। और यहाँ पर फोर्थ नंबर पे पॉइंट है वो क्या है, टू इम्प्रेस द रीडर विथ फैक्ट्स एंड इन्फॉर्मेशन, और साथ ही साथ में ऐसा नहीं कि जो रीडर्स हो सर्कुलर लेटर्स को पढ़ करके ऐसा नहीं कि इग्नोर कर रहा है या कुछ भी, तो इस तरीके का कुछ भी नहीं होना चाहिए। जो रीडर है सर्कुलर लेटर को पढ़े उसको बस खास तरीके से उसकी तरफ अट्रैक्ट हो, उसकी तरफ ध्यान दे, और जो भी फैक्ट उसमें जो भी इंफॉर्मेशन लिखी गई है उसको सही से पढ़ करके उसको फॉलो भी करना चाहिए, ठीक है, जो भी रीडर होता है, तो ये चीज़ को ध्यान रखा जाता है
सर्कुलर लेटर्स को के ऑब्जेक्टिव में ये सारी चीज़ें कॉमन तरीके से देखी जाती हैं। फिर अगर हम देखें कि सर्कुलर लेटर्स को लिखते समय हमको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए, पॉइंट्स टू बी कैप्ट इन माइंड वाइल ड्राफ्टिंग अ सर्कुलर लेटर। जब हम कभी कोई भी सर्कुलर लेटर को ड्राफ्ट कर रहे हों या फिर लिख रहे हों, तो हमको दो चीज़ों का मेन तरीके से ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर दो चीज़ें लिखी हुई हैं कि एक तो इट शुड बी ब्रीफ। हालांकि कई सारे समय पर जो सर्कुलर लेटर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग भी चले जाते हैं, बट हमको ज़्यादा से ज़्यादा यही कोशिश करनी चाहिए कि इट शुड बी ब्रीफ, मतलब कि ये काफ़ी हद तक की ब्रीफ में लिखे हुए हों और इसमें जो मेन इन्फॉर्मेशन को शेयर करना हो वही शेयर हो, और साथ ही साथ में अट्रैक्टिव हो, ठीक है, जो रीडर्स हो उसको पढ़ करके उसमें इंटरेस्ट आए, ठीक है। उसके बाद में जो सेकंड जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि जब भी कभी हम सर्कुलर लेटर को लिख रहे हो तो हमको ये ध्यान रखना है कि उसमें जो टोन हम यूज़ कर रहे हो वो एकदम फ्रेंडली हो। ऐसा नहीं है कि सभी लोग उसको, बहुत सारे लोग पढ़ेंगे, लार्ज ग्रुप ऑफ नंबर पढ़ेगा, तो उसमें जो हम लिखने की टोन है, जो राइटिंग टोन है, उसको बहुत ही ज़्यादा वो फ्रेंडली हो, ऐसा ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। और कन्वर्सेशनल स्टाइल, मतलब कन्वर्सेशनल स्टाइल में लिखी होनी चाहिए जो भी उसकी टोन है, ठीक है। बाय एड्रेसिंग, जैसे कि हम कभी भी जब भी लिखते हैं सर्कुलर लेटर्स तो उसमें हम डियर सर का यूज़ कर सकते हैं, डियर सप्लायर एक्सेट्रा, इस तरीके से हम सर्कुलर लेटर्स में इस तरीके की लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें इसके पूरे फॉर्मेट की, तो यहाँ पर जो फॉर्मेट है दोस्तों, जो सबसे नंबर फर्स्ट इसका जो फॉर्मेट होता है वो लिखने का, वो कुछ इस तरीके का होता है। सबसे पहले जो इसकी डेट लिख दी जाती है, जो आज की डेट है उसको लिखो। उसके बाद में हम किस तरीके से लोगों को सैल्यूट करते हैं या फिर ग्रीटिंग करते हैं उसका, हेलो सर, इस तरीके से, गुड इवनिंग, जो भी आप, जो जिस भी तरीके से आप लिखना चाह रहे हो उसको यहाँ पर ग्रीटिंग को लिखा जाता है। उसके बाद में जो सब्जेक्ट होता है आपकी, किस वजह से आप सर्कुलर लेटर को लिख रहे हो, इस चीज़ का सब्जेक्ट को मेंशन करना चाहिए, ठीक है आपको। उसके बाद में बॉडी पैराग्राफ नंबर वन की आप अपनी बात को रखो, उसके बाद सेकंड पैराग्राफ में अपनी बात को रखो, ठीक है, हो सके तो तीसरे पैराग्राफ, चौथे पैराग्राफ तक जाओ, और इतना सफिशियंट होना चाहिए। फिर उसके बाद में आप उसको क्लोज करो, जैसे सिंसियरली इस तरीके से लिखते हैं ना, कि जैसे हम कभी भी ओबीडियंटली, योर ओबीडियंटली, जब भी हम कभी अप्लीकेशन लिखते थे अपने सर लोगों को तो ओबीडियंटली लिखते थे, तो यहाँ पर हम लोग सिंसियरली का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, उसको बंद करने के लिए। उसके बाद में अपने सिग्नेचर करो, फिर यहाँ पर जो सेंडर्स नेम है, जो जो सेंड कर रहा है उसका नेम लिखो, जो टाइटल है उसका उसको दो, और इनक्लोजर्स मतलब कि जो भी, अगर आप कोई भी तरीके का कुछ इंक्लूड वो लगा रहे हो, संलग्न पत्र इसको मतलब होता है, जो भी जैसे कि अलग से कोई भी आप डॉक्यूमेंट्स का यूज़ कर रहे हो तो उसको भी मेंशन करना ना भूलो, ठीक है, कि ये मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स जो भी है वो साथ में इसको साथ ही साथ में मैं इन सारी चीज़ों को भी सबमिट कर रहा हूँ। तो इसका एक छोटा सा फॉर्मेट है जिसको अगर आप चाहो तो इसको फॉलो कर सकते हो सर्कुलर लेटर को लिखने के लिए। तो आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कि ऑफिशियल लेटर्स क्या होते हैं, इन चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो, उसके आपके बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको मिली हो सर्कुलर लेटर के बारे में, तो उसको लाइक ज़रूर करिएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, थैंक यू एंड बाय बाय।